हेलो जी, राम राम जी। सारे का आप सबका रेखा नरवाल लोग में स्वागत है। और जो चैनल पर नए आओ सारे सब्सक्राइब कर लिया करो। आज एक बहुत ही पुरानी कथा आई है, कदे ते सुनते आ रहे हैं। और इस कथा में ओ नमः शिवाय तो जरूर बोल ले देना और जय हो। और दो बहना की है, सुनियो। वे किसी राज्य में एक राजा रानी थी, उनके दो बेटी थी, दो बेटे थे। और दोनों ही नाम था अमावस्या, एक का नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा दोनों ही कति धार्मिक होती, जो बत्ती लगाना और गाय की सेवा करा कर दी और सारा घर का काम काज भी करा कर दी। और अमावस्या थी न तो पूजा पाठ करा थी और न ही कभी भी किसी चीज के पूजा पाठ या नगर के काम में कुछ नहीं करा करती वह। तो दोनों बहनों की एक दूसरे को बहुत प्यार करा थी। और जब वह राजा रानी का था व्यवहार वो अलग था। वो पूर्णिमा से प्यार नहीं करती थी, वे अमावस्या से बहुत प्यार करती थी। और वह दोनों पुत्रों को प्यार करती थी बहुत ज्यादा ही। इसीलिए वह अपने पुत्र का ख्याल रखने में तो उन्हें धीरे धीरे वह बीतता गया। और राजा रानी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। वो सारे बच्चे बड़े होने पर बेटों का तो विवाह कर दिया उन्होंने। और फिर देखा उन्होंने कि दोनों बेटियां भी शादी लायक हो गई थी। राजा से बोले, भाई आपकी बेटी भी विवाह जोग होगी और विवाह कर दो आप। तो विवाह तो करना ही है। तो रानी ने कहा, तो अपने पूर्णमस्य का तो विवाह इसे घर में करना, गरीब में किस काम करना भी पसंद है, पूजा पाठ है, गांव की सेवा करना पसंद है और ये मतलब धार्मिक कार्य में है। और जब अमावस्या है इसको मतलब ऐसे जगह करना, अमावस्या की शादी बहुत बड़े घर में करना, क्योंकि इसे कोई पूजा पाठ या क्या में भी नहीं ध्यान था। और वह रास्ता करने के लिए चल पड़े। और एक दो गए देखने, तो उन्होंने शादी का वो कराए थे। और उन्होंने कहा, अगर जो अमावस्या की शादी हमने गरीब घर में कर देना तो कुछ काम कर पाओगी ना हो। राजा बोला, ठीक है मैं रस्ते खातर चल पड़े। और उन्होंने अपना रास्ता तय कर चले। वो एक गरीब घर में पूर्णिमा का तो गरीब घर में रास्ता कर दिया और अमावस्या का एक बड़े घर में रास्ता कराए। वे कर देख और देखाए दोनों का और उनका शादी की तैयारी कर दी। तो राजा ने उसी गांव में, एक गांव में कराए, उस गांव में तो राजा का लड़का था उसका तय अमावस्या की शादी का तय कर दिया। और जो पूर्णिमासी थी उसका ही गरीब घराने में कराए, गरीब के घर में क्यों कराए। और उसने पूजा पाठ करना अकबाई चले कि भगवान इसकी कितने की मदद करेगा, कुछ करेगा। उन दोनों का विवाह कर दिया, देखेंगे भाई धन दौलत आलम कर दिया। और उसका कति गरीब घर में था ये रास्ता, न ही कुछ शादी के उसमें कुछ दिया ना वो कराया। और जो भाभी और भाई थे वह कराया करते मतलब पूर्णिमा से बहुत प्यार करते, क्यों उनके काम में हाथ बटाव थी और घना लगाव था। और दोनों की शादी कर दी। और गरीब जो पूर्णिमा थी उसको तो कुछ नहीं दिया राजा ने, और जो अमावस्या थी उस तो धन दौलत खूब दिया। और फिर वहां जाने के बाद और दरवाजे पर बैठी थी पूर्णिमा तो, और उन शिव चर्चा कराए रखी थी अमावस्या ने। और उन्हें सबके घर बुलाया, सबको बुलाया लेकिन अपनी बहन को नहीं बुलाया कि वह गरीब थी, जय तो नहीं बुलाया। तो पूर्णिमा तो बोली, अकाय चाल ने तेरी बहन का शिव चर्चा करवा रखी है और आप चालो। वह बोली, एक ना बोले मैं तो कौन जान दी जब मैं बुलाए को नहीं। तो उन्होंने कई लोग ने समझाई, चाल वे भी चालेंगे। तो वह भी शिव चर्चा में कई के बाद चली गई। तो फिर उसने देखा अमावस्या ने कि पूर्णिमा भी आएगी, अक मैंने बुलाया भी नहीं था और फिर भी आएगी। तो उसने कही, अकबिला जब तू आएगी तो चुपचाप बैठ जिए, ये इधर उधर नहीं घूमना। अरे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया पूरा, अक भाई खूब मजाक कराया, अक भाई गरीब थी जा तक आने। वो रोन लगी पूर्णिमा और सीता प्रार्थना कही, भगवान कब के कृपा करेंगे भाई, मैं भी कसूर के है, मैंने आपकी सेवा करी या पूजा पाठ करना गाय की सेवा करना, क्या मेरे लिए गलत है? भगवान ने पूरा होकर रहम करो। तो करते करते भगवान की शिव चर्चा करती हुई पूरी सुनकर अमावस्या ने क्या कराया, सबका प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं प्रसाद दिया। वह पूर्णिमा वैसे ही आएगी, उसको कोई प्रसाद नहीं दिया,
रास्ते में सोचा ना, हर घर पर जाऊंगे तो एक बालक भी है, वो भी है, के कहूंगे मैं जाकर। उन्हें सोचा मन मन, चल मैं अपने भाई भाभी दूर चल लूंगी, अक भाई अपने प्रसाद प्रसुद लेकर, और कम तक कम ले तो करूंगी उन्हें अपनी सारे वो बात करते हैं, और वह चल पड़ी अपने मायके में। सब तो पहले मिले उन्होंने तुलसी माँ का गमला था बढ़ने गया, और उस दौर मतलब तुलसी माता बैठी थी, उन्हें कहा भाई कि चल ली बेटे। तो उन्होंने कहा बूढ़ी माता अपने सारी बात बताई, बोले मैं हूँ पूर्णिमा, और उन्होंने कहा बोले मैं तुलसी का पौधा है, अरे सुख लग रहा है, और तू इसमें ना चबूतरे की सफाई कर दे, अरे तुलसी में पानी दे जाए और तो ठंडक मिल जाएगी। उन्हें सारा काम कर दिया पूर्णिमा ने, उसकी पूजा भी करी और उसकी साफ सफाई सब कुछ करा उन्हें, और बूढ़ी माता नुआ कर और उसके पैर दाब कर, और फिर वो चल पड़ी। वह बोली माँ और कोई काम है? न बोले नहीं मतलब कोई काम नहीं है, और खूब आशीर्वाद देगा। बोली जब तू वापिस आओ अपने मायके तक तो जरूर मेरे तक मिलकर जाना। तुलसा माता बोली उसका, मेरे वह बोली ठीक है माँ। फिर वह आगे चल ली, चलते चलते रास्ते में उसने एक शिव मंदिर मिला, शिव मंदिर में एक चबूतरा था, उस पर बूढ़े बाबा बैठे, उन्होंने और कोई नहीं था, वो भगवान शिव का रूप थे, एक वह पहचान तो पाए नहीं ना। उन्हें कहा बोले आप कौन हो बेटी? उन्हें पूर्णमासा बोली आप क्या हुआ? बोले हुआ क्या बेटा, इस मंदिर की आप साफ सफाई कर जाओ, बहुत गंदा हो रहा है, और चबूतरा भी धो जा। वह बोले मेरे नहाने के लिए दो बाल्टी पानी की भर जा, तो आपका बहुत ही आसान होगा। पूर्णमासा ने क्या करा, सारा काम करा, और फिर वह शिव की पूजा करी और बाबा का पानी पुणी डाल कर सारा करा। फिर वह और आगे चली, फिर उसने भी कहा भाई आते उड़े मिलकर जाना। फिर उसका आगे काली माँ मिली अगले उसमें, अर्थवा बोले बोले उसने सारा परिचय बताया, अपना नाम बताया। बोले वह बोले कि बोले के बात है माँ जी, आप ऐसे क्यों हो? तो उन्होंने कहा सब पूजा पाठ करके जाऊँ बेटी, अरे लेकिन कोई मंदिर साफ नहीं करता। काली माँ बोली कितना मंदिर खड़ा काला हो गया, साफ सफाई करी और माँ का श्रृंगार करा और फिर चल पड़ी, और उसके पैर पूर दबा कर फिर वो आगे चल पड़ी। फिर वह नदी मिल गया आगे जाकर उसने, उड़े एक गंगा मैया बैठी थी, और गंगा मैया तो कहा अक बेटी आप कौन हो? बोला मैं हूँ पूर्ण, ने अपना नाम बता दिया, अक मैं हूँ। तो बूढ़ी माँ बोली बोले सब स्नान सब करे हैं, लेकिन ना तो कोई साफ सफाई करता, साफ सफाई कर दो। उसने के करा उड़े भी साफ सफाई सारी कर गई, वह भी से आशीर्वाद देता। बोले अक मतलब ठीक है, उस पर जाकर बोले अक बेटे आते समय वापिस आना। बोले ठीक है, और वह बोले बोला ले फुल्ला की नाव थी, बोले इसमें जाओ बैठ कर ना। वह चली गई, वह अपने मायके पहुंच गई। उसकी भाभिया ने और उन्होंने खूब उसकी खातिरदारी की पूर्णिमा की। वह सुबह रात ने सब सो गए, सुबह उठ कर वह चली अकेले मैं वह अपने मतलब घर आ जाऊँ। तो उन्हें के कराया उसकी भाभियों ने खूब उसका खान का पीण का और सारा सामान दिया, एक थैला दे दिया उसने। अरे बोले जल्दी जल्दी आकर, बहुत लेट आती है, बोले जल्दी जल्दी आ करो, अरे लाल साड़ी दे दी। वह सारा थैला भर का सामान समान सब कुछ दिया। फिर वह बड़े चाल पड़ी गड़तल करते, पहले वो गई गंगा मैया मिली, वो नदी थी, और उस नाव में बैठी तो उड़ाई पहुंची। वह बूढ़ी माँ फिर मिली गंगा मैया, और गंगा माँ बोली बेटी आ गई? अख हाँ आ गई, अख मैं आ गई। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा एक थैला दिया उसका, अरे ले इस थैले को ले जा। वो बोले बहुत भारी है। वह बोली बोले बेटे इसको यहाँ निकलना, अपने घर जाकर ही खोलना, रस्ते में निकलना। बोले ठीक है माँ जी। वो वहाँ से चल दी, फिर आगे चली, फिर वह काली माँ के मंदिर में गई। वहाँ भी बूढ़ी माँ हुई थी काली माई, और तो उन्हें भी एक थैला दिया, कहा गई बेटी हाँ। फिर वो थैला लिया, उन्हें सोचा तीन थैले हो गए, एक थैला वहाँ से एक थैला वहाँ से। फिर वो शिव मंदिर में आड़े पर गई, तो वहाँ भी देखा तो वो बोले बाबा बोले ले बेटा ये एक थैला और ले जा। वो भी एक थैला ले गई। फिर वह चौथे पर गई, तो वहाँ भी तुलसा मैया ने एक थैला दे दिया। फिर वह सब अपने घर पहुंची, घर जाकर थैला खोलिया, अपने पीरड़ा उसमें कपड़े कपड़े तुलसम मतलब सूट दे रखा था, वो खोलिया साड़ी थी
और वो सारे बच्चा था दिए नए कपड़े थे बच्चा के भी, पूरे खुश हो गए। जमा देखा हाँ सही हो गया। दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया था उसमें खोला सोना और चांदी के रखे केवल रखे थे। फिर तीसरा थैला जो काली माँ ने खोला उसमें हार श्रृंगार था। जो चौथा थैला था उसने खुशी धन और संपत्ति आ थी। पांचवा था उसमें धन मतलब चावल चूड़ तुलसा माने सारा यो सामान दे रखा था, कोई कमी नहीं रही उसके घर ना, कति संपत्ति धन सब कह के भंडार भर के कति जमा पूरा घर बनने के बाद वो खुशी खुशी रहने लगी। अब वैसे क्या तो मेरा घर भर गया, पूरी खुश हुई। उसने फिर सोची अकेला मैं एक दिन शिव चर्चा करवाऊंगी। उन्हें शिव चर्चा करवाई फिर पूर्णिमा ने भी, तो सब का घर आका आए तो अपनी बहन अमावस्या तब तक आई अकबला शिव चर्चा में आई, और उसकी बहन भी फिर कह पाचा शिव चर्चा में आई अमावस्या। मौसा ने आकर देखा तुम्हारे घर में इतना धन दौलत क्यों करोगे, तो गरीब का ब्याह थी। और उन्हें कहा बहन मेरे तो नहीं बुलाया था, लेकिन मैंने तो बिना बुलाए चली गई थी पूर्णिमा बोली, और आपके घर तो कहा था और आप आ जाओ, तो मैं बुलाया तो आपने प्रसाद नहीं दिया तो मैं अपने मायके चली गई थी, अगर बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। तो उसने सोची बुलाया तू भी डांट, उन्हें सोचा इतना धन दिया है तो मैंने भी डांट दे। वो अमावस्या बोली और मैं भी बोला मेरे तभी प्रसाद ना देना और मेरे तम काका काट देना, मैं भी आपके तरह फिर सारे का जाऊंगी। फिर वह भी अपने मायके चल दी अमावस्या भी ना प्रसाद लिया और प्रसाद ने इनकार करके चली गई। फिर तुलसा माँ उड़े पाई और बोले चबूतरा दो दो न, बोले ए बुढ़िया मेरे इतने महंगे कपड़े पहरे हैं, मेरे गंदे कपड़े जाए मैं को नहीं दूंगी। अगर चले तो वो शिव जी का मंदिर था, उसने कहा अक भाई मेरा उड़ सब वन में कंधे चले गए, गंगा मैया त काली माँ त तुलसा त सब तनाट गई वकरण अक भाई मेरे तो कपड़े खराब हैं। फिर वो नाव में बैठी तो उसकी नाव में काटे थी, वो अपने मायके पहुँच गई। मायके में जानते हो सारे भाभिया ने देखा और भाइया ने देखा, सब बोले ये कहाँ से आ गई, कुछ मतलब करण की नहीं धरण की नहीं, ये कर आ गया भले यार की करण आएगी, अरे पूर्णिमा तो हमारी बहुत अच्छी है लेकिन ये अमावस्या तो ऐसी ये है, अरे कुछ काम करवाने की नहीं धरण की कुछ नहीं, अरे पूर्णिमा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और सन्ना खाना खुना खा कर सो गए, सुबह उठ दे वह चल पड़ी। अरे तो बोली बोला हम चल रहे हैं, वह बोली ठीक है भाभी अगर जाओ। अमावस्या बोली भाभी बोला आपने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे नहीं दो कुछ भी नहीं दिया, तो बोला तुम्हारे घर आ पहुँच जाएगा, उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं दिया। फिर गंगा मैया दोहराई हुआ, गंगा मैया आ गई अख आ गई अख पूर्णमासी को थैला दिया मेरे तो कुछ नहीं दोगे। अरे तनु बोली अख ठीक है जाओ बेटी अपने घर आ, तेरे घर भिजवा देंगे। फिर काली माँ भी ऐसे बोली, शिव भी ऐसे बोले और तुलसा माता भी उसको, भाई घर आ पहुँच जाएगी तेरा थैला घर आ जाएगा। वो घर आ देखी घर जाकर थैले दे पाए पांच थैले, जब थैले खोल मिट्टी काकर सांप बिच्छू ये मिले उसके, वो अपना माथा पीट लगी हे भगवान अक मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। माँ उसे दौड़कर फिर पूर्णिमासी के पास जाओ है और कहे हो ना तुझे तो इतना सब कुछ मिला मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो पूर्णिमासी बोली अक भाभी के साथ काम भी करूँ मत है और लाडते भी रहूँ हूँ और कभी उनकी आपने मदद भी नहीं करी। अमावस्या तो बोली अक तेरी कौन करे थी, और गंगा माँ को तना ठुकराया दी, तुलसा माँ को तना ठुकराया दिया, भोले को तुमने ठुकराया दिया, कुछ इसीलिए तना गंगा मैया ने कहा तो सबने ठुकराया दिया, इसीलिए तेरे को ठुकरा दिया सबने। वो फिर घर आकर ना बोले बोले मैं पूजा पाठ करूँगी और सब कुछ करूँगी, मेरे तभी बताइए सारी बात जो जो तना करी थी मैं भी करूँगी भक्ति करूँगी खूब। और तब पूर्णिमा से बोले बोला ठीक है बहन तू तीन सूत्र का ज्ञान ले, पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना, और तीनों सूत्र ये मैं तो दे रखे ये प्रसाद के रूप में है लाइए स्वीकार कर। उसने उस तभी दे दिए और मैंने सच्चे मन तक सेवा करी थी भोलेनाथ की और सबका मेरे सारे काम सफल हुए, सब कुछ मुझे मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो भी खत्म हो गया अमावस्या का, तो क्यों उन्हें दिल तक सिवाया वो कुछ नहीं करा था, इसीलिए वह फिर अपने घर आ गई
उन्होंने खूब पूजा पाठ और हर चीजों, और भगवान शिव से उसने माफी मांगी और कहा जय भगवान शिव की। और जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, और बोलना हर हर महादेव, जय हो।